नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना। साहिबगंज जिला के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के लालबन तीन पहाड़ झपाई पुल के समीप कल्याणचक दलाही फाटक निवासी शालिग्राम मंडल को आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इस घटना से व्यवसायी वर्ग में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। उधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तीन पहाड़ थाना पुलिस ने घायल व्यक्ति को राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले को लेकर बरहरवा डीएसपी नितिन खेड़लवाल ने बताया कि मृतक शालिग्राम मंडल रोजाना की तरह अपना व्यवसायी कलेक्शन लेकर घर की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में लाल बांध पुल के समीप दो अज्ञात अपराधियों ने मृतक को पीछे से गोली मार मृतक के पास अनुमानित 1 लाख से अधिक रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मौके पर तीन पहाड़ थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख, राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर, तालझारी थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज, राधानगर थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर छानबीन कर रहे थे। साहिबगंज से जिला ब्यूरो गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। 55 साल की और इनका कुछ व्यवसाय है इस क्षेत्र में। ये रोज की भांति अपना रोज का कलेक्शन प्राप्त करके बैंक में जमा करने जाना इनका रूटीन था, जो अभी तक पता चला। इसी क्रम में कुछ अपराधियों द्वारा हमला करके इनकी हत्या करने की बात सामने आई है। अभी हम लोग, ये बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी है, हम लोग अभी घटनास्थल पर हैं और अस्पताल में अभी आगे की प्रक्रिया चल रही है और इसमें हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं। सर, अपराधियों की संख्या पता चल पाई है क्या, कितने संख्या में? दो की संख्या में ऐसी सूचना मिल रही है। दो की संख्या में है, हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। ठीक, ओके सर। राशि कुछ पता चला कितना? सूचना मिल रही है कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में उनके पास थे जिनको लूट लिया गया। क्या राशि अपराधियों द्वारा लेके भागा गया है? अभी तो ऐसी सूचना है, सत्यापन कर रहे हैं हम लोग। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।